दोस्तों, ऐसा क्यों है कि आइसलैंड, जिसके पास मिलिट्री के नाम पर सिर्फ 200 लोगों की कोस्ट गार्ड है, ऐसे देश नेटो का मेंबर है? चलिए समझते हैं। अगर आप यूरोप की ज्योग्राफी को ध्यान से देखें तो सिर्फ फ्रांस, स्पेन एंड पुर्तगाल ऐसी कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके पास ओपन ओशन का अनइंटरप्टेड एक्सेस है। साथ ही किसी भी कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्री को ओपन ओशन तक पहुँचने के लिए या तो मेडिटेरेनियन सी से होकर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से गुजरना पड़ता है, जिसको यूके कंट्रोल करता है, या फिर नॉर्थ सी से होकर जीआईयूके गैप से। जीआईयूके मतलब ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम। जीआईयूके गैप नॉर्थ एंड नॉर्वेजियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है और अटलांटिक ओशन का एक इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है। एंड ओपन अटलांटिक ओशन तक पहुंचने के लिए या तो इंग्लिश चैनल के थ्रू निकलना होता है या फिर आइसलैंड के नॉर्थ या साउथ से। एंड इसीलिए अगर आइसलैंड नेटो का मेंबर है तो यूके यूएस बाल्टिक सी से आने वाली रशियन शिप्स को ब्लॉक कर सकते हैं एंड आर्कटिक से निकलने वाले नदन सी रूट को डोमिनेट कर सकते हैं।